फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी मैंगलोर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाला हूं श्री कुदुपू टेंपल, जो कि यहां से अराउंड आधे घंटे का रास्ता है। और मैं अभी जाके पहले अभी स्कूटी रेंट पे लूँगा, फिर मैं वहां जाऊंगा सीधा। तो अभी क्लोजिंग टाइम तो उसकी वजह से 12:30 बजे है, और अभी अराउंड मेरे को यहां पे 11:15 तक हो चुके हैं। तो कोशिश करता हूं कि जल्दी टाइम पे पहुँच जाऊँ। बाकी यहाँ पे भाई बहुत ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं आपको सारे ट्रैफिक रूल्स। तो फिर चलते हैं। अनंतकाड़ू करके जो मैंने बताया था, तो यहाँ की स्टोरी बेसिकली ये है कि यहाँ पे पहले ये अनंतकाड़ू करके जंगल हुआ करता था, जिस जगह पे पूरा टेंपल बना है। तो यहाँ पे एक जो लेडी थी वो जंगल में आई, तो उनको एक बेबी मिला। तो उन्होंने उस बेबी को फीड करा, फीड करने के बाद उन्होंने एक शेड के नीचे उसको रख दिया। थोड़ी देर के लिए वो इधर जंगल में चली गई होंगी, शायद लकड़ी वगैरह लेने के लिए कुछ भी। तो जब उन्होंने आकर देखा तो एक शेषनाग थे, वो उसकी रक्षा कर रहे थे, सूरज से उनकी रक्षा कर रहे थे बच्चे की। तो तब से ये माना जाता है कि वो विष्णु अवतार हैं, जो बच्चे थे वो विष्णु अवतार थे। तो ये यहाँ की एक तरह से मान्यता है। तो बहुत ही अच्छा टेंपल है, मैंने आपको दिखाया, जैसे काफ़ी सारे शेषनाग वगैरह की बहुत सारी मूर्ति वगैरह है। मैंने यहीं प्रसाद वगैरह खाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मस्त। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट जगह पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ पिल्लीकुला बॉटनिकल पार्क। तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं पिल्लीकुला में एंटर हुआ हूँ। तो अभी इसकी टाइमिंग जो है ये 5 बजे तक ओपन रहता है। बहुत ही मस्त प्यारा मौसम हो रहा है। इधर इसका काउंटर है। सो फ्रेंड्स, हमने टिकट वगैरह ले ली है, ऑलमोस्ट 190 की टिकट पड़ी है कॉम्बो सारी मिला के। 20 रुपये स्कूटी के चार्ज लिए इन्होंने, अपनी स्कूटी है। और ये वार्नर का हेलमेट, यहाँ से मैंने टिकट कटवाया। ये रास्ता है प्रॉपर, मस्त चल रहे हैं अपन। भाई ये रास्ता ख़त्म में होने में नहीं आ रहा है। ये हेडफोन लगा रखा है, पानी पीना पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आ गया भाई, आ गया, कुछ तो आया भाई। अभी ऑफ रोडिंग चल गई थी अपनी गाड़ी, ऑफ रोडिंग करती। ये आ गया अपना सर्कल, ये आ गया गुट्ठी माने गुट्ठू माने। यहाँ पर पूरा लेक है, ये काइंड ऑफ मस्त। यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा है गाइड करने के लिए। ये पहले ज़माने की मशीन है, शायद आटा या फिर दाल दूल पीसने लग रही हूँ मुझे, प्रॉपर पुराने घरों की तरह। देखिए
है, ओल्ड हाउस। ऐसे हमारे गांव में घर हैं। इन्होंने ये जो है बेसिकली साइकिल के पहिए से बना रखा है, साइकिल की चैन पहिए उससे बना रखा है। तो क्लोथिंग वगैरह का काम होता था, अलग अलग हुए हैं ये धागे। रूलर ऑयल प्रोसेसिंग सेंटर, गन्ना बोलते हैं, गन्ना लोकल लैंग्वेज में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है तुल्लू। सो ये है, यहाँ पे बुल्स वगैरह रहते थे, इसके वो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते थे राउंड राउंड राउंड। और यहाँ पे इसमें बकेट में ऑयल नीचे से निकलता है, एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे हेडपम्प से पानी आता है वैसे ही इसमें से ऑयल आता है ऊपर में, तो इसमें जमा होता है, फिर इनको निकाल लेते थे। तो ये बहुत पुराना प्रोसेस है, अब तो कहाँ यूज़ होता है। पर यूँ ये पूरा प्रॉपर पुरानी सिविलाइजेशन के लिए बना रखा है, लाइक जैसे पुराने लोग रहते थे कैसे वो ऑयल निकालते थे, अपना चावल वगैरह को पीसना, या फिर कुछ लाइक मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, दिए वगैरह। तो वो अभी भी पूरा प्रॉपर चल रहा है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो बहुत प्यारी जगह है, जो लोग इस पर इंटरेस्ट रखते हैं हिस्ट्री वगैरह में वो आ सकते हैं इस जगह पर, अदरवाइज वैसे भी अच्छा ही है। तो लेट्स गो टू दी जू, चलते हैं अपन।